कन्याओं के भविष्य को संवारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना बेहद ही लाभकारी सिद्ध हो रही है, जिसके चलते हमीरपुर जिला में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हजारों लोगों ने अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करवाया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने के चलते सबसे ज्यादा ब्याज योजना के तहत दिया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके। जानकारी के अनुसार हमीरपुर मुख्य डाकघर में ही 25,000 से ज्यादा खाते हैं, तो बिलासपुर जिला के भी 20,000 खाते खोले गए हैं। मुख्य डाकघर हमीरपुर के कार्यकारी पोस्ट मास्टर रवीन देव के अनुसार बेटियों के जन्म से लेकर 10 साल तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है और सबसे ज्यादा ब्याज राशि योजना के तहत रखी गई है। मुख्य डाकघर हमीरपुर के कार्यकारी पोस्ट मास्टर रवीन देव ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 0 से 14 साल तक योजना का लाभ ले सकते हैं और मैच्योरिटी 18 साल बाद होगी। उन्होंने बताया कि ₹250 से योजना को शुरू किया जाता है। उन्होंने बताया कि डाकघर के माध्यम से भी केंद्र सरकार की इस स्कीम से जुड़ने के लिए अभियान चलाकर जागरूक किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के हमारे पास लगभग कोई 25,000 खाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो काफ़ी सतर्कता से इस चीज़ों पर ध्यान देता है और वहाँ पे हम कांटेक्ट करते हैं लोगों को, ग्राम पंचायत प्रधानों को कांटेक्ट करते हैं इस योजना के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर करें। इसका लाभ मेन ये है कि ये स्पेशली हमारे जो समाज में कन्या वर्ग है उसके लिए है और सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज राशि इसके ऊपर रखी हुई है, ब्याज दरें रखी हुई है। 0 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियाँ इसके लिए एलिजिबल हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ये अकाउंट जो है वो 14 साल तक करंट रहता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 21 साल है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा करवा सकते हैं और उसमें इनकम टैक्स में भी रिबेट है और मिनिमम 250 रुपये जमा करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारा जो फील्ड स्टाफ है, कई बार हम खुद भी कंप्लेन करते हैं गांव में जाके और लोगों को इस बारे में जागरूक करते हैं। जो गांव की कमेटियां हैं, महिला मंडल हैं या पंचायत के कोरम होते हैं, उनमें भी हम संपर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़े हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि इस योजना से बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं रही है और भविष्य के लिए बेटियों के लिए उनके अकाउंट में पैसा जमा रहेगा। इसके साथ ही शिक्षा के लिए भी इस पैसे का प्रयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में पिछले कुछ सालों में कन्याओं की संख्या में इजाफा हुआ है, तो सबसे साक्षर जिला हमीरपुर होने के नाते सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए लोग आगे आए हैं। हमीरपुर जिला के 62 डाकघरों के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना को सिरे चढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बेटियों को लाभ मिल सके।